News 18 India। आपके पास मैं आता हूं राम गौरव वारिस पठान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम वर्तमान नहीं है, राम अनंत काल है। देखिए सबके बिलीव्स अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय बनाने की आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता नहीं है कि अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो समन्वय बनाने की आवश्यकता है, समझदारी भरे बयान आने चाहिए। मैं असद ओवैसी साहब के बयान को आपको कोट करके बता रहा हूं कि हमारे जिस दिन मां बाप मरे वो तारीख हम भूल जाएंगे क्या? भड़काने की आवश्यकता क्या है? क्या इससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे? नहीं, भड़काने वाली बात नहीं, हकीकत बताया उन्होंने। असद साहब ने यह कहा कि जो विपक्ष पार्टी हर चीज की बात कर रही है, 6 दिसंबर को क्यों याद नहीं कर रहे? 6 दिसंबर जो हमारी नजर में काला दिन है डेमोक्रेसी, जो हिस्ट्री की, तो इंडिया में हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया और अब राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। कल मोदी जी ने काफी वहां पे भाषण भी दिया। मैं पूछना चाहूंगा अभिष देवगन जी कि क्या मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और कल जो भाषण दिया उसका कोई भी सुनता है क्या? आपको मैं बात बताऊंगा, महाराष्ट्र के अंदर मीरा रोड की जो मुंबई से सिर्फ 1 घंटे के रास्ते के ऊपर है, यही राम भक्त क्या किए, सब लोग 300-400 बाइक लेके आ गए, मुसलमानों की कॉलोनियों के अंदर घुस गए, जय श्री राम के नारे लगाए, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, उनको छेड़ा, आपका वर्जन है से मुसलमान आए, लेकिन 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 वहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी है, एफआईआर रजिस्टर हुई है, बुलडोजर चले हैं, और मुसलमानों की बुलडोजर किस पे चले हैं? जिसने गलती करी होगी वहां चले होंगे, कोर्ट तय करेगा, मैं तो तय नहीं कर सकता जी। गौरव भाटिया क्योंकि गौरव भाटिया की सरकार है महाराष्ट्र में, एक सेकंड वारिस मेरे को फोन करके बोले, वारिस भाई ये गलत कर रहे हैं ये लोग, कुछ लोग, ये हमारे समाज में भी है, तुम्हारे समाज में भी है, जो गए थे वहां पे मोटरसाइकिल पे, जिसने जो जो नारेबाजी किया बाद में वहां पे लड़े, और आज पुलिस ने आके आज वहां पे मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया। देखिए मेरा निवेदन है मगर ये भाषा का इस्तेमाल ना हो कार्यक्रम के अंदर। ओके गौरव भाटिया, आप तो बता रहा हूँ प्यार से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहा हूँ, पुलिस को प्रॉपर रूप से, नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपने बोला कि मुसलमानों के घर वहां तोड़े गए, तो हम कहीं ना कहीं देखिए, चाहे असद ओवैसी हो चाहे वारिस पठान हो, उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की एक रेस लग गई है। ओवैसी साहब ने सुबह बयान दिया, शाम आते आते अल्लाह की कसम खा ली ममता बनर्जी ने। सोचिए क्या खाने की जरूरत थी कसम? आप अपना कर्म करिए, आपको वोट मिलेगा उसके बाद। मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो वोट नहीं देंगे वो काफिर है भाई, जो टीएमसी को वोट नहीं देगा वो काफिर हो जाएगा। अगर टीएमसी को वोट नहीं दे रहा, ओवैसी साहब को वोट दे रहा है, या फिर कांग्रेस को कोई वोट दे रहा है तो वो काफिर है। मैं नहीं दे रहा हूं तो काफिर हो जाऊंगा क्या? नहीं तो ये कहना गलत तो है। मैं अगर टीएमसी को वोट नहीं दूंगा तो क्या मैं काफिर हो गया? यही कह रही है ममता बनर्जी। अयोध्या जी में था और मेरा निवेदन है व्यूअर्स, आप भी अयोध्या को अयोध्या जी कहिए अब, क्योंकि राम की नगरी है भाई, उसका कण कण राम का है। और मैं आता हूं गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जो बात कह रहे हैं वारिस पठान, आपका शासन है क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी आपके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ा आरोप है उसका जवाब। मैं वारिस भाई की बात को सुन रहा था। हम सब जानते हैं हमारा भाई कन्हैया मारा गया, उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया। तो अगर आपके चैनल पे मैं आके कहूं कि सारे मुसलमानों ने ऐसा किया तो क्या वारिस भैया को अच्छा लगेगा? मैं कहूं कि वारिस पठान भी सरतन से जुदा कर देते हैं। वारिस भाई को एक बात समझनी होगी, ये जो भड़काना है लड़ाना है ना, ये बंद करो, अब जहर उगलना बंद करो। इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा सारे राम भक्तों ने ये किया, हमारी जो बहनें उनको छेड़ा, अरे आतंकवादी का तो तुम धर ढूंढते हो। लोगों ने कहा अगर कोई अपराधी है तो वो, मैंने कहा आपने ये नहीं, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये किया। नहीं अमीर जी ये गलत बात है, इनको शांत कराइए, शांत शांत एक एक गौरव भाटिया आपकी 40 सेकंड बचे हुए, मेक योर पॉइंट प्लीज। धन्यवाद। देखिए ये जो कह देना सभी राम भक्तों ने ऐसा किया, लड़कियां छेड़ी, ये राहुल गांधी की जो सोच है ना, लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, वैसे ही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपराधी का धर्म नहीं होता है, किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा भी होगी और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन ओवैसी का ये कह देना जो उन्होंने आज कहा है, 6 दिसंबर
के दिन को हम इसलिए नहीं भूल पाएंगे जैसे तुम्हारे बाप या मां की मौत को भूल सकते हो क्या? तो मैं कहना चाहता हूं, किसी का बाप और किसी की मां अगर गलत करे और वो दूसरों के मंदिरों को तोड़े, अगर वो गाली दे, भ्रष्टाचार करे, तो भैया ऐसी माँ और बाप को तुम तो याद करोगे, लेकिन जो मोहल्ला होगा वो कहेगा कि ठीक ही हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, ओएसी जी क्यों नहीं मानते हैं? क्या कोई बताएगा मुझे क्यों ओएसी जी ये भड़काऊ भाषण देते हैं? पंख से कम है, लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया वो तो आस्था की बुनियाद पे आया। सर्वोच्च न्यायालय ने तो उसमें भी ये भी कहा कि जो मस्जिद को डिमोल क्रिमिनल एक्ट था, तो उसमें बीजेपी नहीं गई अपील के अंदर, फिर से सजा नहीं कराई। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा कि वहां पे कोई टेंपल नहीं था, कोई प्रमाण नहीं मिले कि टेंपल को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अब मेरा टर्न अमित भाई, इनको बंद कराइए, इनको रुकाइए। अमित भाई गौरव रुकाइए, मैं कैसा खामोशी से सुन रहा था। और गौरव भाटिया, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग ऐसे हैं, हर समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं। आपने कल कहा, इतना बड़ा दिन था हमारे भाइयों के लिए, इतने बड़े दिन आप मोटरसाइकिल लेके जाओगे वहां पर, जहां पर एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है, मुसलमानों को जाओगे बस्ती में नारे लगाओगे, कुछ महिलाओं को छेड़ोगे, उसके बाद महाराष्ट्र में पुलिस आपकी, सरकार आपकी, आए क्या बुलडोजर से उनकी दुकानों को तोड़ दोगे? ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है? आप अगर मारेंगे तो कोई सामने जाके सवाल भी नहीं करेगा क्या? सवाल करने के ऊपर सजा हमको हा? और वहां पे कुछ नहीं, ठीक है। गौरव 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 का जवाब। और देखिए मेरा निवेदन है, मैं हमेशा कहता हूँ मोहल्ले किसी के नहीं होते, मोहल्ले किसी के नहीं होते, मोहल्ले सबके होते हैं। कोई मुस्लिम मोहल्ला नहीं है, कोई और मोहल्ला नहीं है, मोहल्ले तो सबके हैं। मैं आपको इसी बात का उत्तर, कोई कहीं जाए, लोकतंत्र है इस देश में, सोसाइटी में घुस गए, जी जी जी, ये लोकतंत्र है इस देश में, मिल्लत नगर के आने का मोहल्ला है, ढमकाने का मोहल्ला है। एक यु, एक युग मिल्लत नगर का सोसाइटी युग था ऐसे मोहल्लों वाला, लेकिन अब ये युग नहीं है वो मोहल्लों वाला, अब ये युग है सर्वधर्म वाला। इसमें कोई किसी का मोहल्ला नहीं है, सबके सारे मोहल्ले जी। इनको इन्होंने फिर से संविधान को तार तार किया। मैं आपको बताता हूं, ये है मोहल्ला और हो हल्ला वाले, और हम हैं पूरा देश हमारा है। और क्यों कहता हूं इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, याद करिए तमिलनाडु सरकार ने जो प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट होना था उस पर रोक लगाई थी। पालू में सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा स्टालिन को, और क्या कहा उन्होंने, कहा मुस्लिम रहते हो या हिंदू रहते हो किसी मोहल्ले में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश सब नागरिकों का है। और यही बात यहां लागू होती है, अगर एक भी हिंदू ना रहे मोहल्ले में तो भी हिंदू को हक है, सिख को हक है कि वो उस मोहल्ले में जा सके जहां पे मुसलमान रहते हैं। ये जो सोच है ना तुम्हारी कि मुसलमान रहते हैं इसके हिंदू नहीं आ सकता है, छेड़ने के लिए गए थे, संविधान के विपरीत है, के लिए गए थे, और बैरिस्टर ओएसी से कहना फेस्टिवल बनाने के लिए गए, एक सेकंड, वो छेड़ने के लिए गए थे, वो तो कानून तय करेगा ना, वो तो पुलिस तय करेगी, वो तो प्रशासन तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन लेकिन वो छेड़ने के लिए गए थे, लेकिन मोहल्ला तो आपने एक तरफा बना दिया कि वो मोहल्ले ही मुसलमानों का था, वहां उनको जाने की जरूरत क्या थी? अरे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था जी, ये हर घर में थे, उनके चले गए अंदर, शर्म आनी चाहिए। रात को कोई जाता है किसी के घर पे, आपके घर पे कोई आएगा, आपके घर पे कोई आ जाएगा रात को, क्या करेंगे अमित भाई? सवाल तो करेंगे ना भाई, यहाँ पे क्यों मोहल्ले कैसे हो गए? एक एक करके श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, अनुराग भदौरिया भी है, दोनों सम्मानित मेहमान है। विवेक जी आपके पास मैं आता हूँ,